लाइफ इतनी सीरियस होती नहीं जितना हमारा माइंड इसे बना देता है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी राजा जी की चिंता पर। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त ना होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गए। हर समय वह सोचते रहते कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। बस पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक्कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारा। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे, अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। तो राजा बोला, तो मैं नौकरी कर लूंगा। साधु बोले, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगे। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु फिर से राजमहल आए और राजा से भेंट किया और पूछा, राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुम काम को बोझ बना लिया करते थे और उस बोझ को हर समय अपने मन पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, प्लीज मुझे बताएं और अपना ध्यान रखें।